हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइट जोन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले कुछ लाइटिंग फिटिंग कॉम्बिनेशन के बारे में। जनरली मार्केट में काफी लंबी रेंज अवेलेबल है, जो आपकी मेन लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप सीलिंग पे यूज कर सकते हो, जो आप पीओपी में यूज कर सकते हो, जैसे कि हमारे डाउन लाइट हो गई, पैनल लाइट हो गई, सीओबी लाइट हो गई, प्रोफाइल लाइट हो गई या स्ट्रिप लाइट हो गई। तो काफी लंबी रेंज है और काफी ऑप्शन भी मार्केट में अवेलेबल है, काफी साइजेस अवेलेबल है। तो ये लाइटिंग के अंदर आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है। जहां पे लाइट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो वहां पे कौन सी यूज करनी है, जहां पे लाइट कम की रिक्वायरमेंट है तो कौन सी लाइट यूज करनी है, मूड लाइट के लिए, सॉफ्ट लाइट के लिए कौन सी लाइट आपको कहां पे यूज करनी है। तो यही कॉम्बिनेशन की आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन कौन सी लाइट का आपको करना है। तो पहले जो हमारी दो कैटेगरी है, पैनल लाइट और डाउन लाइट, ये बात ध्यान रखिए, पैनल लाइट और डाउन लाइट का दोनों का लाइटिंग सोर्स सेम है। दोनों की जो लाइट प्रोवाइड करता है एकदम ब्राइट लाइट प्रोवाइड करता है, लाइटिंग स्प्रेड करता है, तो दोनों की लुक वाइज आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख सकता है, लेकिन दोनों का जो सोर्स है सेम है, लाइट ब्राइट करने के लिए, एरिया कवर करने के लिए, मेन लाइट के लिए। जनरली पीओपी के अंदर मेन लाइट के लिए आपकी डाउन लाइट लगेगी या पैनल लाइट लगेगी। पैनल लाइट मोस्ट ऑफ द जगह पे लगती है, डाउन लाइट वहां पे लगती है जहां पे हाइट ज्यादा होती है, एरिया ज्यादा कवर करना होता है और थ्रो ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे डाउन लाइट का रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डाउन लाइट काफी अच्छी हाइट क्लियर करती है, स्प्रेड अच्छी करती है, लाइट का थ्रो काफी नीचे तक आता है। तो ये चीज का ध्यान रखिए, पैनल लाइट और डाउन लाइट का कॉम्बिनेशन मत लगाइए। पैनल लाइट और डाउन लाइट का सोर्स दोनों का सेम है, लाइट का दोनों का जो थ्रो है सेम है, लाइट की दोनों की जो लुक है सेम आएगी, बॉडी में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने मिलेगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप कभी मत यूज कीजिए। हाँ, ये दोनों के साथ आप सीओबी का यूज कर सकते हो, डाउन लाइट प्लस सीओबी, पैनल लाइट प्लस सीओबी। तो पैनल लाइट के साथ भी अगर आप सीओबी लगाते हो तो लुक काफी अच्छा आता है। सॉफ्ट लाइट के लिए जनरली सीओबी यूज की जाती है, अगर पैनल लाइट काफी ब्राइट है, एरिया मेन लाइट के लिए है, सॉफ्ट लाइट के लिए सीओबी को यूज किया जाता है। कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपकी ब्राइट लाइट चालू है, इवनिंग के टाइम आप रिलैक्स कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो आपको एक सॉफ्ट लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो पैनल लाइट बंद करके आप एक सॉफ्ट लाइट रख सकते हो, आपका पावर भी सेव होगा, लाइट भी सॉफ्ट लगेगी और आप एक रिलैक्सिंग मोड में चले जाओगे। तो काफी अच्छी लाइटिंग कॉम्बिनेशन होने की वजह से आपको काफी अच्छा हेल्प होगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आप कर सकते हो। डाउन लाइट के साथ भी आप सीओबी की लाइट यूज कर सकते हो, काफी लोग यूज करते हैं, काफी लोग यूज आज की तारीख में हर जगह पे आपको ये कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये सारे जो फोटोज है, आप इसके अंदर भी देख सकते हो कि ये सारे कॉम्बिनेशन बेसिक कॉम्बिनेशन है जो जनरली लगाते हैं। इसके बाद हमारी थर्ड लाइट है, ये है सीओबी लाइट। सीओबी लाइट काफी है ज्यादा रनिंग लाइट है, काफी लोग ओनली सीओबी लाइट यूज करते हैं, काफी लोगों को सीओबी लाइट इतनी पसंद है कि खाली सीओबी लाइट का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, और आप लगा सकते हो। सीओबी की लाइट काफी अच्छी लगती है, सीओबी लाइट जनरली डेकोरेटिव पर्पस के लिए ज्यादा यूज होती है। सीओबी का जो लुक आता है सीओबी लाइट का, ये काफी इंटीरियर के अंदर सूट होता है, इंटीरियर को काफी अच्छा लुक देता है। सीओबी की लाइट जो है काफी सॉफ्ट है, एक स्पॉटलाइट क्रिएट करती है, ज्यादा स्प्रेड नहीं करती है, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छे मिलते हैं उसके अंदर। तो जनरली अपने होटल, रेस्टोरेंट, बार, फाइव स्टार होटल आप देखी होगी, तो जनरली वहां पे सीओबी लाइट का जनरली ज्यादा यूज होता है, तो उसके अंदर लुक काफी अच्छा आता है। तो सीओबी के अंदर आप छोटी बड़ी सीओबी लाइट यूज कर सकते हो, जहां पे ब्राइट की रिक्वायरमेंट है थोड़ी बड़ी साइज ले लीजिए, जहां पे सॉफ्ट लाइट की रिक्वायरमेंट है छोटी सीओबी ले लीजिए। तो सीओबी का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। सीओबी के साथ आपको ना पैनल लाइट या ना डाउन लाइट लगाने की जरूरत है, सीओबी के साथ आप कॉम्बिनेशन करते हो। काफी लोग पैनल लाइट का भी कॉम्बिनेशन करते हैं कि पैनल लाइट बड़ी लगा दी ब्राइट लाइट के लिए, छोटी पैनल लाइट लगा दी सॉफ्ट लाइट के लिए। तो छोटी जो पैनल लाइट लगती है उसका उतना अच्छा लुक नहीं आता है, लुक और उतना अच्छा लाइट का जो लाइट आनी चाहिए सॉफ्ट लाइट, उतनी सॉफ्ट लाइट प्रोवाइड करती नहीं है पैनल लाइट। तो इसी तरह से पैनल लाइट के साथ तो सीओबी यूज कर सकते हैं, बट सीओबी के साथ भी आप ओनली सीओबी यूज कर सकते हो, लुक काफी अच्छा आता है। तो सीओबी के अंदर और भी ऑप्शन है, जैसे ट्रैक लाइट। तो जहां पे अगर आपने पीओपी नहीं किए, कुछ हाईलाइट करना है, तो ट्रैक लाइट का भी यूज किया जाता है, आप देख सकते हो ये ट्रैक लाइट है। तो शोरूम्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है, घरों में भी आजकल यूज हो रहा है, बट आप देख सकते हो ये ट्रैक लाइट का भी आप यूज कर सकते हो, जो सीओबी जैसी लाइट प्रोवाइड करता है, एक स्पॉट क्रिएट करता है, आप देख सकते हो, और लाइटिंग आपको सॉफ्ट मिलेगी। इसके अलावा आपको ट्रैक लाइट में भी मैग्नेटिक ट्रैक अवेलेबल है, आप देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर मैग्नेटिक ट्रैक में भी काफी लंबी रेंज है, अभी नई है तो थोड़ी महंगी है, बट इसका काफी लंबा प्रोसेस होता है, फिटिंग प्रॉपर करनी होती है और अटैचमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो सीओबी का ये कॉम्बिनेशन आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हो, प्रोफाइल लाइट या डाउन लाइट। इसके बाद जो हमारी चौथी लाइट है, ये है स्ट्रिप लाइट। स्ट्रिप लाइट तो जनरली हर घर में लगती है, आप पैनल लाइट लगाओ, सीओबी लगाओ या कुछ भी लगाओ, स्ट्रिप लाइट तो यूज होती ही होती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी आपकी कर्व लाइटिंग है वहां पे स्ट्रिप लाइट लगती है,
टीवी लेट के बैक साइड में, किचन के अंदर, बेडरूम में, तो स्ट्रिप लाइट तो आप किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। खाली कलर कॉम्बिनेशन आप प्रॉपर चूज कीजिए तो काफी अच्छा लुक आता है। जनरली वॉम व्हाइट यूज कर सकते हो तो लुक काफी अच्छा आता है, या आपको डार्क कलर की रिक्वायरमेंट है और डार्क कलर पसंद है तो आप यूज कर सकते हो, बट जनरली स्ट्रिप लाइट आप किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। स्ट्रिप लाइट के साथ आपको रोप लाइट का ऑप्शन देखने मिलेगा, आप देख सकते हो स्ट्रिप लाइट जैसे आती है। अगर आउटडोर में आपको यूज करना है तो आप रोप लाइट यूज कर सकते हो। डेकोरेशन पर्पज से एकदम सॉफ्ट लाइट चाहिए तो इसके अंदर नियॉन लाइट का भी ऑप्शन आता है, आप देख सकते हो, तो नियॉन लाइट भी यूज कर सकते हो, बट जनरली मैं प्रीफर करता हूँ स्ट्रिप लाइट। स्ट्रिप लाइट इजी टू यूज है, काफी अच्छी टिकती है, काफी अच्छे ऑप्शन है, काफी अच्छे वोट्स है, ब्रांड नॉन ब्रांड सारे ऑप्शन अवेलेबल है, काफी लंबी रेंज अवेलेबल है, इसलिए स्ट्रिप लाइट में ज्यादा प्रीफर करता हूँ। तो ये हमारी फोर्थ ऑप्शन है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन है ये प्रोफाइल लाइट। प्रोफाइल लाइट भी आप किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। आज की तारीख में प्रोफाइल लाइट भी काफी लोग लगाते हैं, ओनली प्रोफाइल लाइट घरों में लगाते हैं, ओनली प्रोफाइल लाइट से ही काम चलाते हैं, कि प्रोफाइल लाइट में भी काफी लंबी रेंज अवेलेबल है। प्रोफाइल लाइट ब्रॉड अवेलेबल है, पतली अवेलेबल है, उसके अंदर हाई ब्राइट वाली, लो ब्राइट वाली, कलर ऑप्शंस काफी अवेलेबल है, काफी अलग अलग डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आपको फोटोज दिखा रहा हूँ, ये सारे डिजाइन लोग क्रिएट करते हैं, काफी अच्छा लुक लगता है और लाइट भी काफी अच्छी सफिशियंट मिलती है। तो ओनली प्रोफाइल लाइट लगाने को भी लगा सकते हो, प्रोफाइल लाइट के साथ भी आप पैनल लाइट, डाउन लाइट या सीओवी लाइट कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, काफी अच्छा लगता है। जनरली प्रोफाइल लाइट के अंदर भी स्ट्रिप लाइट यूज होती है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है जनरली ज्यादा यूज होती है। और ये सारी लाइट के बाद जो हमारी डेकोरेटिव लाइट्स आती है, जो फैंसी लाइट आती है, जैसे मैंने आपको बात की, ये फैंसी लाइट में तो काफी लंबी रेंज अवेलेबल है, ये एक्स्ट्रा लाइट्स है, आपको डेकोरेशन जितना करोगे उतना कम है घर के लिए, तो जितनी लाइट लोगे उतनी कम है। तो ये जो मेजर लाइट है ये तो रिक्वायरमेंट होती है और ये काफी इंपॉर्टेंट लाइट्स है, काफी अच्छा लुक आपके घर को देता है, काफी आपको कंफर्टेबल लाइट मिलनी चाहिए, जब भी आपको जो लाइट चाहिए आपको मिलनी चाहिए, तो इस तरह से आप लाइट का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सारी लाइटिंग कॉम्बिनेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। लाइटिंग कॉम्बिनेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आप प्रॉपरली साइज चूज कर सकते हो, प्रॉपर लाइट फिटिंग चूज कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से। तो लाइटिंग की सही अगर प्रॉपर रहेगी तो लुक काफी अच्छा आएगा, लाइटिंग काफी अच्छी प्रॉपरली मिलेगी। जब ब्राइट लाइट रिक्वायरमेंट हो तो आप ब्राइट लाइट रख सकते हो, जब सॉफ्ट लाइट रिक्वायरमेंट हो तो आप सॉफ्ट लाइट रख सकते हो, पावर सेव कर सकते हो, अपने मूड के अकॉर्डिंग आप लाइट प्ले कर सकते हो, जब जो लाइट की रिक्वायरमेंट है आप रख सकते हो। एक एक साथ सारी लाइट भी अगर आप यूज करते हो तो लाइटिंग कॉम्बिनेशन अच्छा लगना चाहिए और लुक अच्छा आना चाहिए, घर का जो डेकोर है उसके साथ सूट होना चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है काफी बेटर होता है, आपके काफी पैसे सेव होंगे, आपके काफी पावर सेव होगा और आपको काफी अच्छा कंफर्टेबल लाइटिंग मिलेगी। तो इसीलिए आज सारी कॉम्बिनेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, होप आपको पसंद आई होगी। तो आप भी अपने घर, ऑफिस, शोरूम में इस तरह के कॉम्बिनेशन यूज कीजिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट है या कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस है तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हो, मैं सारी रिप्लाई करूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए।